किस किस पर लगेगा आरटीएम, आज इस वीडियो में बताएंगे 45 खिलाड़ियों की वो फाइनल लिस्ट जिनके ऊपर ऑक्शन में होने वाला है आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल। देर नहीं करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के साथ। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि हैदराबाद के पास नीलामी में 2 आरटीएम कार्ड रहने वाले हैं, लेकिन हैदराबाद ने अपने खिलाड़ी चूज कर लिए जिनके ऊपर ये लोग आरटीएम कार्ड का यूज कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, एडन मार्कराम, टी नटराजन, नीतीश कुमार रेड्डी, ये वो 5 खिलाड़ी है दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के जिनके ऊपर हैदराबाद जिस पर बेटर प्राइस मिला, माफ कीजिए, उन पर आरटीएम कार्ड का यूज करेंगे। अब बेटर प्राइस का क्या मतलब होता है वो भी बता देता हूं। मान लीजिए अभिषेक शर्मा है भाई 18 करोड़ में 15 करोड़ के आसपास मिल गए, क्योंकि जाहिर है हिंदुस्तान का फ्यूचर है तो ही हैदराबाद आरटीएम लगाएगा। मान लीजिए भुवनेश्वर कुमार है 8-9 करोड़ में मिल गए, मतलब प्लेयर के हिसाब से हैदराबाद ने एक प्राइसिंग डिसाइड की हुई है, और अगर उस कीमत से महंगा खिलाड़ी मिला तो फिर हैदराबाद आरटीएम कार्ड का यूज नहीं करेगी। तो इन 5 में से किन्हीं 2 पर आरटीएम लगेगा, नीतीश कुमार रेड्डी और अभिषेक शर्मा को दोस्तों हैदराबाद को मेरे हिसाब से पहले ही रिटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्लेयर में से अगर एक भी हाथ से चला गया तो हैदराबाद को बहुत भुगतान करना पड़ेगा। बाकी आप बताओ दोस्तों इन 5 में से किन 2 पर हैदराबाद आरटीएम का इस्तेमाल 100% करेगी। मेरे हिसाब से दोस्तों अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी, आपके हिसाब से कौन है वो 2 नाम, अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख दो। और हैदराबाद के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर दो भाई लाइक का बटन। नीचे आगे बढ़ते सनराइजर्स हैदराबाद के बाद अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात करते हैं। लखनऊ की टीम एक ऐसी टीम है जो नीलामी से पहले बहुत ज्यादा खिलाड़ी रिटेन करेगी नहीं। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि लखनऊ के पास 3 आरटीएम कार्ड रहने वाले हैं जिनका इस्तेमाल ये डीकॉक, स्टोइनिस, कृणाल पंड्या, रवि बिश्नोई और निकोलस पूनन, इन 5 में से किन्हीं 3 खिलाड़ियों पर कर सकेगी। तो लखनऊ की जो पूरी प्लानिंग है वो ये है कि मात्र केएल राहुल, मयंक यादव को पहले ले लो, अरशद खान को एज अनकैप्ड ले लो, और नीलामी में रोहित शर्मा अगर आए तो रोहित को खरीदने की कोशिश करो। लेकिन उसके बावजूद भी डीकॉक को भी बहुत बड़ा भाव नहीं मिलेगा, स्टोइनिस को भी बड़ा भाव नहीं मिलेगा, रवि बिश्नोई को अच्छा भाव मिल सकता है लेकिन पूरन को भी भाव नहीं मिलेगा। ये बड़ी नीलामी है, बड़ी नीलामी में प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा नहीं बरसता है। फिर बता दूं मैं आपको, छोटी नीलामी में कम प्लेयर्स होते हैं बड़े बड़े और टीमें टूट पड़ती हैं, यहां पर प्लेयर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बड़े नामी प्लेयर्स आते हैं तो प्रति प्लेयर जो खर्चा है वो कम करती हैं टीमें। दैट्स वाई दोस्तों इन 5 में से किन्हीं 3 पर इजीली लखनऊ 6-6, 7-7 करोड़ में आरटीएम कार्ड का यूज कर पाएगी। चांसेस डीकॉक के बहुत ज्यादा है, रवि बिश्नोई के बहुत ज्यादा है और मुझे ऐसा लगता है स्टोइनिस के बहुत ज्यादा है। बाकी आप बताओ इन 5 में से कौन से 3 खिलाड़ी लखनऊ की हिट लिस्ट पर रहेंगे आरटीएम में, अपनी राय बता दो इन 5 में से कौन होगा आरटीएम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों दिल्ली की टीम की। दिल्ली की टीम पूरी तैयारी में है अपने इंडियन कोर को रिटेन करने के लिए, और रिपोर्ट ये है दोस्तों कि 3 आरटीएम कार्ड दिल्ली के पास रहेंगे। 4 खिलाड़ी ऐसे रहेंगे जिनके ऊपर दिल्ली जो है वो आरटीएम कार्ड का यूज कर सकती है, कुलदीप यादव, फ्रेजर मैकगर्क, टी स्टब्स और एनरिच नॉर्डजी। इन 4 में से 3 खिलाड़ी ऐसे रहेंगे जो दिल्ली की हिट लिस्ट पर रहेंगे, और इन 4 में से 3 को दिल्ली 100% आरटीएम के जरिए ले लेगी। कुलदीप यादव को तो इनको लेना ही है और कुलदीप की वैल्यू 10-11 करोड़ के आसपास जाएगी, दिल्ली इजीली आरटीएम लगाएगी। मैकगर्क और स्टब्स, इन दोनों में से या तो कोई 2 या फिर दोनों में से दोनों अगर प्राइस से मिल गया या फिर कोई 1, और नॉर्डजी के ऊपर भी, नॉर्डजी चोट के चलते काफी परेशान है तो दिल्ली उतना ज्यादा भाव नहीं देगी। तो जाहिर है ये 4 में से कोई 3 दिल्ली की हिट लिस्ट पर है जिनके ऊपर दिल्ली की टीम आरटीएम कार्ड का यूज करेगी। अब आप बोलेंगे पंत का क्या होगा, अक्षर पटेल का क्या होगा, भाई ये पहले ही रिटेन हो जाएंगे, तो 2-3 रिटेंशन जो दिल्ली की रहेगी उसमें ऑलरेडी रिटेन हो जाएंगे। और आपको एक चीज बता दूं, पृथ्वी शॉ और वार्नर, इन दोनों के ऊपर आरटीएम यूज नहीं होने वाला है, दिल्ली के सोर्सेस के हवाले से कंफर्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं भाई दिल्ली के बाद अब राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब का बटन नीचे, और इंस्टाग्राम पर अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों तो yash.mcp नया इंस्टाग्राम पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्योंकि हर रोज एक क्रिकेट का डेली डोज 60 मिनट का क्रंच कंटेंट हमारे इंस्टाग्राम पर एक रील डलती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स की टीम बड़े बड़े खिलाड़ियों को नीलामी में भेजेगी और बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर दोस्तों फिर जो है जो आरटीएम कार्ड है उसका यूज होने वाला है। लिस्ट देख लेते हैं, रियान पराग, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल, ध्रुव जुरैल, ये वो 5 खिलाड़ी है, और इन 5 में से किन्हीं 2 के ऊपर राजस्थान के पास 2 आरटीएम कार्ड रहेंगे चांसेस है, और इन 5 में से किन्हीं 2 के ऊपर राजस्थान आरटीएम का यूज कर पाएगी। अब यहां पर किसके चांसेस ज्यादा, मुझे लगता है यूजी चहल और बोल्ट के चांसेस ज्यादा है, तो चांसेस यही है कि इन 5 में से यूजी चहल और बोल्ट जो है वो आरटीएम होंगे। बाकी समय बताएगा क्योंकि कीमत भी मायने रखती है, अगर युजवेंद्र चहल की वैल्यू 15-17 करोड़ हो गई तो फिर राजस्थान आरटीएम यूज नहीं कर पाएगी, इतने महंगे खिलाड़ी को
राजस्थान अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि राजस्थान को अपनी पूरी टीम रीबिल्ड करनी है, बोल्ट की शायद उतनी वैल्यू होगी नहीं। तो बोल्ट तो कन्फर्म है, चहल नहीं मिले तो फिर रियान पराग को देखना पड़ेगा, रियान पराग भी काफी महंगे जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम के बाद, अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात कर लेते हैं। चेन्नई के लिए ये अग्नि परीक्षा है, चेन्नई के लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि किन किन खिलाड़ियों के ऊपर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया जाए। मेरे हिसाब से दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के पास रिपोर्टेडली दो आरटीएम कार्ड रहने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल ये चार खिलाड़ी इनमें से किन्हीं दो पर कर पाएंगे। शिवम दुबे है, कॉनवे है, पातिराना है, तीक्षणा है, इन चार में से किन्हीं दो पर ही चेन्नई आरटीएम कार्ड का यूज कर पाएगी। अब आप बोलोगे यार भैया कॉनवे कैसे आ गया नीलामी में, दुबे कैसे आ गए नीलामी में। भैया देखो चेन्नई गायकवाड़ जड्डू चहर इनको रिटेन करने वाली है, धोनी को रिटेन करने वाली है, तो चेन्नई को जैसा कि मैंने कहा मेगा ऑक्शन है, आपको बड़े प्लेयर्स छोड़ने ही पड़ेंगे नीलामी में, आप सबको रिटेन नहीं कर सकते। एंड पातिराना और चहर में से चूज करना पड़ेगा कि किसको रिटेन करें किसको आरटीएम करें। तो अगर चहर रिटेन हो गए तो फिर पातिराना पर आरटीएम कार्ड आएगा, लेकिन दो आरटीएम कार्ड है सिर्फ, तो इन चार में से मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पर्सनली कि दुबे के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे और पातिराना के चांसेस ज्यादा रहेंगे। पातिराना थोड़े से महंगे चले गए, देन फिर कॉनवे के ऊपर चेन्नई जो है वो आरटीएम कार्ड यूज करने वाली है। लेट्स से क्या होता है चेन्नई के लिए, ये डायनामिक्स को सॉल्व करना चेन्नई के बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ चार के आगे नहीं जाएगी चेन्नई, इन चार में से ही किन्हीं दो के ऊपर आरटीएम यूज होने वाला है। तीक्षणा के चांसेस मुझे उतने लगता है ये। आगे लगते हैं दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम की बात कर लेते हैं। बंबई की टीम की अगर मैं बात करूं तो बंबई के पास रिपोर्टेडली मात्र एक आरटीएम कार्ड रहने वाला है। मुंबई अपने सारे रिटेंशंस पांचों के पांचों पहले ही करेगी। रिपोर्ट यही है कि पंड्या, सूर्या, वर्मा, बुमराह इन सबको रिटेन कर लेगी मुंबई की टीम पहले ही, और आरटीएम का इस्तेमाल जिन पर हो सकता है रोहित शर्मा है, टिम डेविट है और ईशान किशन है। एक आरटीएम कार्ड है, इन तीन में से किन्हीं एक पर लगेगा। रोहित शर्मा का नाम जरूर उछाला जा रहा है, मुझे नहीं लगता मुंबई इन पर आरटीएम करेगी। भैया रोहित शर्मा की वैल्यू 25 करोड़ आसपास जाएगी, मुंबई ऑलरेडी अगर 5 खिलाड़ी रिटेन करेगी तो 70 करोड़ का बजट तो मुंबई का वहीं चला जाएगा, तो रोहित पर तो आरटीएम के चांस ही नहीं है। नाम भले ही हमने लिख दिया, अब एक या तो टिम डेविट पर यूज होगा या किशन पर यूज होगा, मुझे लगता है चांसेस ज्यादा टिम डेविट के रहेंगे। अगर बुमराह सूर्या सारे रिटेन हो गए तो फिर मुंबई आरटीएम के भरोसे उतनी नहीं रहेगी, मुंबई फिर भी चिल हो जाएगी। पर फिर वही बात है ना, ये सारे रिटेन होने के लिए मानना चाहिए और उसको लेकर मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूं। बाकी दोस्तों मुंबई इंडियंस के इन तीन में से कौन सा एक आरटीएम कार्ड रहेगा आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। मुंबई के फैन हो, चेन्नई के फैन हो, लाइक नहीं किया तो कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मुंबई इंडियंस के बाद केकेआर की बात करते हैं। केकेआर वो टीम है जो कह रही थी कि भैया हमें तो मेगा ऑक्शन चाहिए ही नहीं, क्योंकि केकेआर के पास इतने सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं ना, केकेआर को समझ नहीं आ रहा है कि किन के ऊपर आरटीएम करे नहीं करे। देखो चार खिलाड़ी ये पहले रिटेन कर भी लेंगे ना, उसके बाद भी 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके ऊपर ही आरटीएम करने की कोशिश करेंगे। आरटीएम कार्ड मात्र इनके पास 2 रहेंगे, तो इन 6 में से इन्हें 2 चूज करना पड़ेगा आरटीएम के लिए। अब इसमें दोस्तों लिस्ट में श्रेयस अय्यर का नाम है, इस लिस्ट में स्टार्क का नाम है, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर, फिल सॉल्ट, और दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे फंसी हुई है यहां पर केकेआर की टीम। क्यों? क्योंकि दोस्तों श्रेयस अय्यर रिपोर्टेडली रिलीज होने वाले हैं, और अगर नीलामी में श्रेयस अय्यर गए तो बहुत पैसा बरसने वाला है। अब इन 5 में से कौन से 2 आरटीएम होंगे आप बताओ। हालांकि कौन कौन रिटेन हो रहा है, 60 रिटेन प्लेयर्स लिस्ट मैंने पहले ही डाल दी थी या ऊपर कार्ड में डाल दूंगा, नहीं तो आप चैनल पर जाकर प्लीज देखिए 60 रिटेन प्लेयर्स कौन कौन होने वाले, उसकी लिस्ट मैंने सबसे पहले डाल दी है, फटाफट वो वीडियो भी देख लेना। लेकिन केकेआर इन 5 में से किन्हीं 2 को रिटेन कर पाएगी। अब यहां पर चांसेस मुझे फिल सॉल्ट के ज्यादा अच्छे लगते हैं, और श्रेयस अय्यर अगर कम कीमत पर मिल गए, अच्छी कीमत में मिल गए, तो श्रेयस अय्यर के चांसेस लगते हैं। 6-7 करोड़ से महंगे गए तो फिर केकेआर नहीं करेगी, और फिर स्टार्क भी विकल्प है, वरुण चक्रवर्ती भी विकल्प है, केकेआर के पास बहुत विकल्प है, केकेआर के पास मात्र 2 आरटीएम कार्ड है, केकेआर सचमुच फंसी हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों केकेआर की टीम के बाद, अब बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की। आरसीबी के लिए ये आरटीएम की गुत्थी सुलझाना इतना कठिन नहीं होगा, और मैंने ऑलरेडी जो 60 खिलाड़ी रिटेन वाली लिस्ट बताई थी उसमें मैंने बताया था कि फाफ डू प्लेसिस रिटेन नहीं हो रहा है, उन पर आरटीएम का यूज होगा। टोटल 3 खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर आरटीएम का यूज कर सकती है दोस्तों आरसीबी की टीम, 2 आरटीएम कार्ड है दोस्तों आरसीबी के पास। अब इसमें दोस्तों फाफ डू प्लेसिस, विल जैक्स और यश दयाल का नाम है, यश दयाल अनकैप्ड है तो यश दयाल को रिटेन भी कर सकती है, 4 करोड़ में वो रिटेन भी हो सकते हैं, तो ले देकर क्लियर है आरसीबी। प्लेसिस और जैक्स के ऊपर आरटीएम इनको डालना है। मैक्सवेल हो गए, ग्रीन हो गए, टॉपली हो गए, ये इनकी लिस्ट में नहीं है, कंफर्म बता दूं मैं आपको, क्योंकि आरसीबी अपने आप को रिबिल्ड करना चाहती है। आरसीबी को एक बड़ा स्पिनर भी चाहिए नीलामी में, उनकी नजर कोई बहुत बड़े हिंदुस्तानी स्पिनर पर है जिसका नाम मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आरसीबी की टीम के 2 आरटीएम कंफर्म है, प्लेसिस और जैक्स। यश दयाल भी नाम है, लेकिन यश दयाल को आरसीबी कोशिश करेगी कि अनकैप्ड के रूप में पहले ही रिटेन कर ले।
आगे बढ़ते हैं आरसीबी की बात और पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की स्थिति फंसी हुई है, नीलामी से पहले पंजाब मात्र 2 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी और 6 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया है पंजाब ने आरटीएम कार्ड के लिए। पंजाब के पास नीलामी में 4 आरटीएम कार्ड रहेंगे, इन 4 का इस्तेमाल इन 6 में से किन्हीं 4 पर पंजाब कर पाएगी। रबाडा है, बेस्ट्रो है, सैम करन है, जितेश शर्मा, हर्षल पटेल, सिकंदर राजा, इन 6 में से किन्हीं 4 पर पंजाब किंग्स की टीम कोशिश करेगी आरटीएम कार्ड का यूज करने का। अब यार देखो, इनको इन 6 में से कोई भी प्लेयर्स अच्छी कीमत पे मिल सकता है और जो रिटेंशन की 18-14 करोड़ की प्राइस है उनसे तो सस्ते ही मिलेंगे। चाहे रबाडा हो, इंजरी इश्यूज है, फॉर्म में उस तरह से नहीं है, 10-11 करोड़ में मिल सकते हैं। बेस्ट्रो भी इसी कीमत मिल सकते हैं, करण 5-7 करोड़ में मिल सकते हैं, जितेश शर्मा आपको 12-15 करोड़ के आसपास मिल सकते हैं, हर्षल पटेल 10 करोड़ के आसपास और सिकंदर रजा 3-5 करोड़ के आसपास मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब के इन 6 में से 4 आरटीएम करना ईजी रहेगा। बताओ कौन होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब गुजरात की बात करते हैं फाइनली। तो गुजरात के पास 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर आरटीएम का यूज करने की तैयारी गुजरात करेगी। 3 आरटीएम कार्ड गुजरात टाइटंस के पास रहेंगे, सुदर्शन, शामी, शंकर, मिलर, इन 4 में से किन्हीं 3 पर ये लोग कोशिश करेंगे आरटीएम कार्ड यूज करने की। तो ये थी भैया 10 टीमें और इनके टोटल 45 खिलाड़ी जिनमें से कुछ प्लेयर्स आरटीएम हो पाएंगे। टोटल 25 खिलाड़ियों के ऊपर ही आरटीएम का यूज हो पाएगा बिकॉज ऑलरेडी प्लेयर्स रिटेन होंगे नीलामी से पहले। और ये 45 की जो लिस्ट मैंने बताई है इनमें से ही वो 25 प्लेयर्स होंगे जिनके ऊपर आरटीएम यूज होगा। बाकी दोस्तों आप बताओ आपके हिसाब से लिस्ट में कौन कौन छूट गया, अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके।